नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल रूपांतरण 100% में। तो दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर बिल्कुल नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और नई सीरीज़ के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये सीरीज़ है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री पर, और ये बेस्ड होगा आपका 12th क्लास का NCERT का सिलेबस, यानी कि 12th क्लास में आपकी NCERT की 3 बुक्स हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इस सीरीज़ में हम पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे आपका 12th क्लास का NCERT का, ठीक है। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि अभी स्कूल बंद है और मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं वो घर से ऑनलाइन टीचिंग का लाभ ले रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी कुछ कमी रह जाती है, कई बार क्या होता है कि बच्चों का नेटवर्क जो है वो नहीं आता और उस टाइम वो टाइमिंग जो है कुछ बच्चों को सूट नहीं कर पाती। तो मैंने अपने छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं, जिससे कि वो अपनी सुविधा के अनुसार इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जब भी स्कूल खुलेंगे या एग्ज़ाम होंगे तो वो हिस्ट्री जैसे विषय में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो आज जो है मैं बहुत ही इजी टॉपिक लेकर आई हूँ, डेट लाइन यानी कि काल रेखा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन लेवल तक भी बच्चों को ये समझ नहीं होती है कि डेट्स को किस तरह से लगाएं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सीक्वेंस वाइज किस तरह से डेट लगेंगी, ठीक है। तो जल्दी से मैं ज़्यादा आपका समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करती हूँ आज का टॉपिक, भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और इतिहास पढ़ने वाले छात्रों को ये सबसे पहले समझाया जाता है कि भारतीय इतिहास 3 भागों में है, ठीक है। पहला प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया इसको कहा जाता है। दूसरा मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया इसको कहा जाता है। और तीसरा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया इसको कहा जाता है। और आपकी जो 3 किताबें हैं वो भी इसी तरह से है। पहली बुक में आपको प्राचीन भारत के विषय पढ़ाए जाएंगे, दूसरी बुक में आपको मध्यकालीन भारत के विषय पढ़ाए जाएंगे और तीसरी बुक में आपको मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के विषय पढ़ाए जाएंगे। अब इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि इतिहास की घटनाओं को क्रमवार यानी कि सिलसिलेवार तिथियों के अनुसार लिखना, और इसी को लिखकर कालक्रम बनाया जाता है यानी कि डेट लाइन बनाई जाती है। डेट लाइन का मतलब है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में डेट्स को लिखा जाता है। तो इसको कालक्रम कहते हैं। तो अगर आप इतिहास जैसे विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इतिहास की तिथियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं ये? BC, आपने देखा होगा कुछ डेट्स के साथ BC लिखा होता है। BC मतलब हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। और कुछ घटनाओं के साथ AD यानी कि ईसवी सन लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक डेट लाइन बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपने मैथ्स में ग्राफ जरूर करा होगा, 10th तक अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा। और ग्राफ में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड एक्स अक्ष होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस होता है। वाई साइड में हम माइनस के नंबर्स लिखते हैं और एक्स साइड में हम प्लस के नंबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस प्लस कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे हमें डेट्स ही लिखनी है। बस 0 से इस तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ हमको AD वाली डेट्स लिखनी है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमको BC वाली डेट लिखनी है यानी कि बिफोर क्राइस्ट वाली डेट लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएँ जो हैं उसको हम BC की डेट से लिखते हैं। तथा AD मतलब इसको एनो डोमिन कहते हैं। एनो डोमिन का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष इसको कहा जाता है। यानी कि इतिहास को हमने इस तरह से बांट लिया है कि एक मेजर इवेंट ले लिया है, एक मेजर इवेंट ईसा मसीह का जन्म, तो उससे पहले की घटनाएं, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, इस तरह से, ठीक है। तो अब वर्तमान में AD की जगह ज़्यादातर लोग CE भी लिख लेते हैं। तो अब CE का मतलब क्या है? CE का मतलब है कॉमन ईरा यानी कि वर्तमान समय, ठीक है, कॉमन ईरा। और BC की जगह ज़्यादातर BCE भी लिख दिया जाता है कहीं कहीं पे। इसको बिफोर कॉमन ईरा कहते हैं यानी कि वर्तमान समय से पूर्व यानी कि पहले, ठीक है। और कभी कभी BP भी लिख दिया जाता है यानी कि बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, ठीक है। तो अब आपको BC AD का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ कि क्या आप इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगा पाएंगे। तो पहली घटना है 563 BC, दूसरी है 319 AD, तीसरी है 1498 AD, चौथी है 2500 BC और पांचवी है 1857 AD।
तो यानी कि कुछ घटनाएं यहाँ पे ईसवी सन की हैं और कुछ घटनाएं यहाँ पर ईसा पूर्व की हैं। पहली घटना ईसा पूर्व की है, दूसरी घटना ईसवी सन की है, तीसरी भी ईसवी सन की है, चौथी जो है वो ईसा पूर्व की है और पांचवी जो है वो ईसवी सन की है। तो अब जरा क्या आप इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगा सकते हैं? तो अगर आप लगा सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसको सीक्वेंस वाइज लगा के दिखाइए, यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी हुई है, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे और पांचवें नंबर पे। और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो आपको ये वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। अब देखिए, इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि भारतीय इतिहास का जो पूरा कालक्रम है उसके लिए मैंने कोशिश करी है यहाँ पे कि शुरुआत से यानी कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज़ादी तक के समय को एक डेट लाइन में कर दूं। अब भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये अपने आप में इतना विस्तृत है कि इसको एक काल रेखा, सीधी काल रेखा में सारे इवेंट्स को लिखना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, और इतना लंबा पेपर भी नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कुछ मेजर इवेंट्स जो हैं वो इस पर लिखने की कोशिश करी है और आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत की अगर हम शुरुआत करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य के होने का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उससे शुरुआत करते हैं। तो ये 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व की घटना है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हालांकि डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं डेट लाइन के हिसाब से समझा रही हूँ। तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक की घटना जो है वो पाषाण काल की है। फिर हम भारत की सबसे पहली विकसित ज्ञात सभ्यता यानी कि अब तक की ज्ञात सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस से हम आगे चलते हैं तो ये घटना है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले या 4500 साल पहले की ये घटना है। फिर इसके बाद वैदिक काल आता है, ये भी ईसा पूर्व का ही है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद महाजनपदों का उदय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुरु, पांचाल, वज्जी, कौशल, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में जो उभरा था उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में 540 ईसा पूर्व जैन धर्म लिखा है और 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म लिखा है। तो आप ये कहेंगे कि ये तो मैंने उल्टा लिखा हुआ है, जैन धर्म को बाद में लिखना चाहिए था, बौद्ध धर्म को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल मैंने ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि जैन धर्म की जो शुरुआत की थी वो ऋषभदेव ने की थी और यहाँ पे जो मैंने 540 ईसा पूर्व लिखा है वो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, उनका जन्म लिखा हुआ है। और बौद्ध धर्म यानी कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो थी वो सिद्धार्थ ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है, लेकिन जैन धर्म की शुरुआत जो थी वो ऋषभदेव ने बहुत पहले ही कर दी थी। तो महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे, तो इसीलिए उनकी जैन धर्म को मैंने पहले लिखा है, यानी कि जैन धर्म प्राचीन है और बौद्ध धर्म उसके बाद का है। इसके बाद हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और मगध में बहुत सारे राजवंश हुए थे, उन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य वंश जो था वो इसका महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसमें हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद और भी छोटे छोटे राजवंश आए, जिसमें शुंग वंश, कणव वंश, सातवाहन वंश जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विदेशी जातियों के आक्रमण हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर 78 ईस्वी, अब देखिए यहाँ से ईस्वी सन आ जाता है, कुषाण वंश की स्थापना हुई थी और यहाँ पर जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ईस्वी सन अलग से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ तक की जो घटनाएँ थी वो ईसा पूर्व की घटनाएँ थी, BC की घटनाएँ थी, ठीक है। और इसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 240 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक जब जो है गुप्त साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में रहा। इसके बाद भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, यहाँ पे महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले हुआ था, और यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। तो महमूद गजनवी से लेकर के जो भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक के समय को जो है वो मध्यकालीन भारत कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत सबसे पहला साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश हुए थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पर शुरुआत हो जाती है कुछ धार्मिक भक्ति और सूफी आंदोलनों की, जिसमें आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा, सूफी संत जो हैं मुअद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में यहीं पर हरिहर बुक्का ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी,
तो 1347 से 1518 का जो टाइम है दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। इसके बाद 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी जो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, और बाबर ने ये जो लड़ाई है बैटल है वो जीत ली थी और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो 1526 में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है और फिर मुग़ल साम्राज्य की क्रोनोलॉजी जो है वो शासक राजवंश आगे चलते हैं, बाबर के बाद हुमायूं का शासन आया। इसके बाद बीच में एक गैप आया जो शेरशाह सूरी यानी कि शूर वंश की इन्होंने स्थापना की थी। 1540 से 45 तक इन्होंने शासन किया, फिर बाद में हुमायूं से ये बैटल हार गए, दोबारा से हुमायूं ने शासन किया और फिर इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का क्रमशः शासन चला। और इसके बाद बीच में हम थोड़ा सा मराठों के बारे में भी पढ़ेंगे। मराठों में शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही साथ भारत में इस समय कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था, और ये आप जानते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक। इसके बाद और यूरोपियन कंपनियां भी भारत में आईं और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के साथ बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। यहां पर हम थोड़ा सा मैसूर के बारे में भी पढ़ेंगे। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 ईस्वी में हुआ, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और कंपनी के हाथ जो है वो काफ़ी मजबूत हो गए थे। इसके बाद बंगाल में गवर्नर जनरल जो है उनका शासन चलने लगा, और सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी के युद्ध में जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, रॉबर्ट क्लाइव का शासन आता है। और उसके बाद अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो 1823 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो थे। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म होके भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे, और 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, सती प्रथा का अंत करने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक कानून बनाया था 1829 में जिसमें सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। और इसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जिन्होंने स्टार्ट की थी, विलय का सिद्धांत उसके लिए जाने जाते हैं। और 19वीं सदी की शुरुआत में ही यानी कि 1828 से लेकर 1890-97 के आसपास तक भारत में बहुत सारे सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अहमदी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और इसके बाद फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बाद बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, दिल्ली दरबार, और इसी तरह हम सिलसिलेवार क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलते जाते हैं। तो फिर 1915 में गांधी युग की शुरुआत होती है, जब गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1919 में रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन, बड़े आंदोलन जो थे वो गांधी जी ने शुरू किए, गांधी इरविन समझौता हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसी तरह से भारत की आज़ादी के लिए धीरे धीरे जो है वो आंदोलन आगे बढ़ते रहे, और आंदोलनों की बागडोर जो थी वो गांधी जी के हाथ में थी। तो ये टाइम जो है वो बहुत इतिहास में महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चल के भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई, और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। तो ये भारत का इतिहास जो है उसको मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स के साथ जो है रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरह से भारत की डेडलाइन जो है वो चल रही है, यानी BC में सबसे बड़े नंबर्स की घटना यहाँ लिखी जाती है, और इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बढ़ती जाती है, बड़े से छोटी छोटी, यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, और ज़ीरो के बाद यानी AD जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर में शुरू हो जाती है। तो अब हम वापस वीडियो के पहले भाग में जाते हैं, जहाँ पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कुछ डेट्स दी थी, और मैंने आपको कहा था कि इन डेट्स को क्या आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाए हैं। तो अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो अब आप आंसर देख लीजिए। सबसे
इस तरह से यहाँ पे डेट लाइन है, और अगर मैं इसको ज़ीरो मान लेती हूँ, ईसा का जन्म मान लेती हूँ, तो यहाँ की घटना एडी और यहाँ की घटना बीसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एडी और बीसी की घटनाओं को अलग अलग करना होगा। तो दो डेट्स मैंने आपको बीसी की दी थी और तीन डेट्स मैंने आपको एडी की दी थी। तो बीसी की डेट्स के लिए तो आपको क्या करना होगा, ईसा पूर्व की घटनाओं के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे बड़ी डेट जो होगी वो सबसे पहले होगी। तो आपको सबसे बड़ी डेट कौन सी थी इसमें, ये वाली 2500 बीसी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की जो घटना है वो सबसे पहले होगी यहाँ पे। इसके बाद 563 बीसी, ये बुद्ध का जन्म था, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को हुआ था यहाँ पे। और एडी की घटनाओं को आपको उसी सीक्वेंस में लगाना है जिस तरह से आप अपनी डेट्स को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले की डेट कौन सी है, आप सीधा सीधा नज़र आ रहा है 319 सबसे पहले आएगा, 498 उसके बाद आएगा और 1857 उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया था और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको एडी और बीसी का अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको एडी और बीसी का कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा इसको और रिपीट कर दूँ और आपको और आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।